उमर अकमल का कहना है कि मैंने पाकिस्तान की डोमेस्टिक सर्किट के लिए लाखों और करोड़ों की लीग छोड़ी, लेकिन मुझे पाकिस्तान क्रिकेट ने क्या दिया है। उमर अकमल एक पॉडकास्ट में इंटरव्यू के दौरान इस बात का इजहार कर रहे हैं कि मैंने बहुत से पाकिस्तान के लिए मैचेस खेले, फिर मैं जो है टीम से बाहर कर दिया गया। मैं चाहता था कि वापसी पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनूं, इसलिए मैंने डोमेस्टिक को इज्जत दी। मुझे कहा गया कि डोमेस्टिक खेलोगे तो पाकिस्तान टीम में जगह बना सकते हो। मैंने डोमेस्टिक में आकर परफॉर्म किया, लेकिन मुझे टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया। यहाँ तक कि मुझे जो है जो लीग से है, बड़ी बड़ी लीग से, उससे बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा था, लेकिन मैंने उनको प्रीफेयर करने की जगह डोमेस्टिक को इज्जत दी। उनसे इंटरव्यूअर ने सवाल किया कि कामरान अकमल ने इस बात के बारे में इजहार किया है कि आप और कामरान अकमल की जो सिलेक्शन नहीं हो रही उसके पीछे बाबर आजम और सिलेक्शन कमेटी के कुछ ज़ाती मसाइल हैं, जिसके ऊपर उमर अकमल ने इस बात के बारे में इजहार किया कि ये कामरान अकमल का एक ज़ाती बयान था और वो जो उनको कहना था वो उन्होंने कहा। लेकिन उन्होंने दूसरी तरफ इस बात के बारे में भी इजहार किया कि अब पाकिस्तान क्रिकेट से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, ना डोमेस्टिक क्रिकेट से, अब मैं वो करूँगा जो मैं चाहूँगा। जिस वजह से वो एटीट्यूड की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट से बाहर हुए थे, वही एक वजह अब वापसी सामने आ रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो लाहौर कलंदर को एक बहुत बड़ा धचका लगा है। राशिद खान जो हैं वो अफगानिस्तान की सीरीज़ की वजह से बाहर हो चुके हैं PSL 9 से, और ये बात सामने आई है कि वो अब पूरे PSL के अंदर आपको नज़र नहीं आएंगे लाहौर कलंदर की नुमाइंदगी करते हुए। जिसकी वजह से आतिफ राणा जो हैं उन्होंने इस बात के बारे में इजहार किया कि राशिद खान की रिप्लेसमेंट ढूंढना बहुत ही मुश्किल होगी, क्योंकि राशिद खान जो हैं वो दुनिया के नंबर वन बॉलर हैं, और जिस तरीके से लाहौर कलंदर की फैमिली में राशिद खान थे, एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेकर आते थे वो अपने साथ, और फिर जब प्लेइंग 11 में होते थे तो बहुत ही ज़्यादा गेम चेंजर साबित होते थे राशिद। लेकिन उनकी रिप्लेसमेंट ढूंढना लाहौर कलंदर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। दूसरी तरफ आतिफ राणा का ये कहना था कि हम जो हैं 2 सीजन जीत चुके हैं लाहौर कलंदर्स, और हम कराची के अंदर फाइनल हार गए थे कराची से ही, लेकिन इस बार फाइनल कराची के अंदर है और हम इस बारे में देखेंगे कि हमें ये फाइनल भी जीतना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो कराची के अंदर हम फाइनल हारे थे कराची से, वो इस बार लाहौर ट्रॉफी अपने पास वापसी लेकर जाए। अब देखते हैं कि लाहौर कलंदर किस तरीके से मैदान में उतरती है, क्या वो ट्रॉफी लेने में कामयाब होती है या कोई और फ्रेंचाइज इस बार फाते बनती है।